इस बार हमारे खेत भी लिंगड़े हो गए दोस्तों, तो इस बार लिंगड़े बहुत खाएंगे। टमाटर तो यार 200 रुपए किलो मिल रहा है, आप सॉस डाल लो उसके बदले 50 रुपए में सॉस। तेरा नाम है सरस्वती है सही में? सरस सरस आवाज आ रही है मच्छरदानी के अंदर, और जो हवा जा रही है मच्छर और मक्खी जा रही है बाहर। चिड़िया इसके अंदर रह गई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन में, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे बारिश के बाद जो धूप पड़ रही है उसमें गर्मी बहुत है और उमस बहुत ज़्यादा है। अभी ऐसा हो रहा है जैसे कि पीठ में चींटियां काट रही हूँ, ऐसी वाली घमोरियाँ हो रही हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इस समय। जितनी ज़्यादा उमस होगी उतनी ज़्यादा घमोरियाँ और पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। और आज हम जाने वाले हैं उज्जू की साइकिल सही कराने। नई साइकिल ही उसने पटक पटक के पूरी बेकार कर दी, उसके ब्रेक टाइट हो गए हैं और टायरों में आवाज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी वो स्कूल गए हैं तो इसलिए टाइम से अभी लेके जाते हैं। और राकेश भाई के भी हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक तो बेचारे वैसे ही थोड़ा हाथ से परेशान है, उनका पहले से ही हाथ एक काम नहीं करता, हल्का काम करता है, बहुत दर्द रहती है, और अभी वो परेशान है पिछले 2-4 दिन से। तो उनको भी लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास, और जो कि साइकिल भी सही करवा के लाते हैं। और यहाँ पे बैठे हैं भोली माँ और सरस्वती। सरस्वती ने भोली माँ को ऐसे सेट कर रखा है जैसे कि उसकी माँ हो, उसी के साथ रहती है, लड़ते रहती है, खेलते रहती है। भोली माँ तो वैसे ही इतनी प्यारी है, कभी बच्चों को मारती नहीं है। सरस सरस सरस्वती ले, अब देखो देखने लग गई, भोली भी देख रही है। अभी कुछ नहीं, थोड़ी देर में आएगा। और ये मम्मी कुछ लेके आ रही हैं, कुछ तो है, अभी पूछते हैं क्या लेके आ रही हैं। वाह देखिए दोस्तों, ये है मेरी फेवरेट सब्जी लिंगड़े। लिंगड़े आप लोगों ने सुना होगा नाम, पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था लास्ट ईयर लिंगड़े पे। बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी होती है, जो कि नदी नालों के किनारे और नमी वाली जगहों में पाई जाती है। ज़बरदस्त होती है लिंगड़े की सब्जी, बहुत बढ़िया और बहुत ही लाभदायक भी होती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, फाइबर्स होते हैं इसमें। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पास से ये है, देखो दोस्तों लिंगड़े बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये आपको कहाँ से मिले? खेत के किनारे पे। अच्छा पार या इधर ही? इधर ही पार। अच्छा हमारे खेत पे ही? वाह इस बार हमारे खेत पे भी लिंगड़े हो गए हैं दोस्तों, तो इस बार लिंगड़े बहुत खाएंगे हम। पार कहाँ जाते? और ये मम्मी का नया चश्मा है, कैट आई वाला, बिल्कुल लुक चेंज हो गया एकदम नए चश्मे से मम्मी का, एकदम कैट आई वाला चश्मा है ये। ठीक है फिर आज यही खाएंगे लिंगड़े। तो दोस्तों राकेश भाई काट रहे हैं अभी कुट्टी, और जैसे ही वो कुट्टी काटते हैं उसके बाद उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और उज्जू की साइकिल भी लेके जाते हैं। और ये है राधा, राधा राधा राधा, बहुत ही प्यारी बच्ची है। हो गया राकेश भाई, बस कर लो फटाफट, फिर चलें डॉक्टर के कने, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा लो, मोटा वाला इंजेक्शन लगवाऊंगा। वो भैंसों को लगता है जो मोटा वार हो, जो वाला इंजेक्शन लगाऊंगा तुमको आज। तो दोस्तों कुट्टी भी कट गई है, राकेश भाई बस झाड़ के सफाई कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग चलते हैं जल्दी से जल्दी। अरे चलना ना है, ये देखो राकेश भाई सो गए और मुझसे कह रहे थे जाना है डॉक्टर के पास, चलो आवाज तो मार देते। आवाज मारी ना ही मेरे। तो इन लोगों ने बताया नहीं मुझे, आवाज ऐसे ही। चलो भी चलो जल्दी करो, थक जाते हैं बेचारे, काम करते हैं सुबह से उठ के, आओ जल्दी आओ राकेश भाई। और ये है साइकिल, इसको लेके हम जा रहे हैं, इसका ये ब्रेक बहुत आवाज कर रहा है, ये देखो ये। तो ये दिखाना है इसकी सर्विस कराते हैं यार साइकिल की।
चले, दरवाजा बंद कर लो, कहीं सांप और चूहा ना घुस जावे। तो तुम सांप से ना डरा दो तो किससे डरा दो? यही है यार, शेर हाथी है, ये डगार मार दी शेर ने तो हाथी की जगह। अच्छा, क्या बात कर दी, बाहर आके जाए शेर को मारे, अच्छी अच्छी हवा छटका दे। तो बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने, सांप से नहीं डरते हैं, शेर से डरते हैं, और कह रहे हैं शेर को देख के अच्छे अच्छे की निकल जाए। ठीक है, तो ये उज्जू की साइकिल सही हो गई है दोस्तों, कुछ नहीं था, जनरल सिर्फ ब्रेक का गड़बड़ था, हम लोगों से वो हो नहीं पाता क्योंकि नए ब्रेक सिस्टम आए हैं। तो ये कर दिए चाचा ने साइकिल एकदम फिट, इसके ब्रेक एकदम फिट कर दिए, आज से वो फिर उड़ाने लग जाएगा साइकिल। और अब दिखाते हैं हम राकेश भाई को, डॉक्टर साहब के पास लेके जाते हैं और उनका भी ट्रीटमेंट करवाते हैं। और राकेश भाई, लग गया इंजेक्शन तुम्हें? दर्द हुई तुम्हें इंजेक्शन लगाने में? दर्द ना आया रहो, चलो अब दर्द ठीक हो जाएगा। तो लग गया इनको इंजेक्शन, अब इनका दर्द सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये लिंगड़े कट चुके हैं और मैंने सोचा नहीं था कि दिन में ही सब्जी बनेगी, वाओ, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता था रात का। मैं सोच ही रहा था जब मैं साइकिल सही करवाने गया था उज्जू की और राकेश भैया को लेके गया था कि आज क्या पता दिन में बना दें, और ये मेरे मन की मुराद पूरी हो गई, वाओ, ये लिंगड़े बन जाएंगे थोड़ी देर में और आज दिन में हम लिंगड़े खाएंगे। दाल बन गई, झोली है, वाओ वाओ, आज तो सब बढ़िया आइटम बने, थोड़ी देर में आनंद लेते हैं भोजन का। ये देखो लिंगड़े इसमें पड़ने लग गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होती है लिंगड़े की सब्ज़ी। टमाटर तो यार 200 रुपये किलो मिल रहा है, आप सॉस डाल लो उसके बदले, 50 रुपये में सॉस मिलता है, सॉस डाल लो। देखो मैंने कितना बढ़िया आइडिया दिया दोस्तों, अगर टमाटर ज़्यादा महंगा लग रहा है तो सॉस ले लो, सॉस सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, इसमें टोमेटो सॉस डाल देना, चल रहा है, काटा नहीं है, वीडियो चल रहा है, काटा नहीं है, टोमेटो सॉस डाल देना इसमें, ये रखा हुआ है देखो टोमेटो सॉस, हेयर इट इज किसान फ्रेश टोमेटो, फ्रेश तो पता नहीं, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर में दोस्तों खाते हैं, तब तक बच्चे भी स्कूल से पहुँच जाएंगे। और ये दोस्तों खाया जा रहा है खाना, लिंगड़े, कैसी हो रही सब्जी? बहुत मस्त हो रही है, टेस्टी। ये है देखो लिंगड़े, ये तो एक उठा, वाओ, जितनी दिखने में सुंदर है उससे ज्यादा खाने में सुंदर होते हैं लिंगड़े। अब कल को और लेकर आएंगे खूब सारे लिंगड़े। उज्जू, तुमने खाए लिंगड़े? खाली सब्जी कैसी थी? और ये क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बनाया है ये? ये देखिए दोस्तों, ये क्या बनाया है, राय स्टार, पता नहीं क्या चीज़ है, बकवास सी। ठीक है, वैसे देख रहे हो 2 घंटे लगे बनाने में। चलो बहुत बढ़िया, गुड, चलो आज तो मज़ा आ गया लिंगड़े खा के, अब कल को और लिंगड़े लाएंगे। आज दोस्तों फिर से बारिश आ गई है, कल भी इसी समय पे बारिश आई थी और आज भी इसी समय पे बारिश स्टार्ट हुई है, करीब 1-1.5 घंटा हो गया है हल्की हल्की बारिश होते हुए। और देखिए बाहर खम्बू खड़ी है एकदम हल्की हल्की बारिश का आनंद लेते हुए, बाकी सभी मच्छरदानी के अंदर हैं। मक्खन मक्खन देखो, मक्खन देखने लग गई, बड़की आओ, अभी लगता है कि बारिश और तेज होगी। और देखते हैं सरस्वती क्या कर रही है, सरस्वती तो अंदर है, यहाँ पे छोटे बच्चे खा रहे हैं। राधा, अभी राधा उतना समझती नहीं है अपने नाम बोलने में, राधा, ओ राधा राधा, देख रही है, राधा राधा, सरस्वती से मिलते हैं, सरस्वती सरस, देखो ये है एकदम अलर्ट मूड में आती है। तेरा नाम है सरस्वती है सही में? नहीं है, है कह रही है, ठीक है ठीक है, है बहुत मस्त है सरस्वती, सरस सरस सरस,
मेरे पीछे है सरस्वती। सरस ए सरस ले ले। और ये राकेश भाई भी आ रहे हैं दलिया लेके, दलिया पकाना है। सरस्वती ले मेरा हाथ ले ले। ऐसे मौसम में तो दोस्तों बस यही काम हो सकते हैं, क्योंकि बाहर का तो काम हो नहीं सकता है बारिश में। तो अब दलिया पका रहे हैं। राकेश भाई थोड़ा कम है, ले आओ दाना। और ये दोस्तों पूरा धुआं भर गया है मच्छरदानी के अंदर, और एक तरफ से मच्छरदानी गिराते हुए आ रहे हैं राकेश भाई, और यहाँ से पूरा धुआं जा रहा है। और ये चला है मेरे पीछे कूलर, और कूलर की हवा जा रही है मच्छरदानी के अंदर, और जो हवा जा रही है मच्छर और मक्खी जा रही है बाहर। तो देखो जी ऐसे मच्छर और मक्खियों को बाहर किया जाता है और गायों को स्वस्थ रखा जाता है। और राकेश हण जल्दी कर ले। हम आ गए हैं दोस्तों मच्छरदानी के अंदर, और क्यों आए हैं, क्योंकि देखिए एक ये चिड़िया इसके अंदर रह गई थी, परेशान है, काफ़ी परेशान है। देखिए कभी इधर से उधर इधर से उधर भाग रही है। अभी मच्छरदानी को खोल के इसको उड़ाते हैं, क्योंकि ये डर रही है, ये सोच रही है कि कहाँ से जाऊँ, कहीं ये लोग मुझे कुछ करने तो नहीं आ गए। डरो मत डरो मत, अभी आपको बाहर निकालते हैं। राकेश भाई मच्छरदानी खोलो एक तरफ से, लो इधर आओ, इसे उठाओ। निकल गई निकल गई निकल गई। देखो दोस्तों निकल गई, वो उड़ गई, बहुत दूर चले गई है आसमान में बिल्कुल। उसको अब ये लग रहा होगा कि मैं किसी जेल से निकल के बाहर आ गई, और बड़ी खुशी होती है कोई भी जीव हो वो ऐसे परेशान। वो अंदर भी है देखो पत्थर, वो देखो अंदर रखा हुआ, उसको लगा दो सही से, यहाँ मच्छरदानी कर दो। हमने चिड़िया को तो उड़ा दिया, उसकी जान तो बच गई, वो तो परेशान नहीं रही। और अब शाम भी काफ़ी होने लग गई दोस्तों, और बारिश का फिर से आशंका लग रही है मुझे, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। और हम अब करते हैं अपनी शाम की तैयारी, बच्चियों को इन छोटे बच्चों को अंदर करेंगे, और बाकी जो बचा हुआ है वो काम करते हैं, फिर बच्चों को बैठा के पढ़ाना है। यूं ही वीडियोस आपके पास रोज़ लाते रहेंगे, नए नए कुछ नया रोज़ दिखाते रहेंगे, और मिलते रहेंगे आपसे रोज़ इसी उम्मीद में कि आपका प्यार यूं ही हम पे बरसता रहेगा। तो आपसे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।